हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम तिलकुट बनाएंगे। इसे मकर संक्रांति के त्योहार पर बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए तिलकुट बनाना शुरू करते हैं। तिलकुट बनाने के लिए मैंने 2 कप बूरा, 1 कप तिल, 7-8 पिस्ते इस तरह काट लिए हैं, 15-20 किशमिश ले ली हैं, 8-10 बादाम इस तरह काट लिए हैं, 5-6 काजू इस तरह काट लिए हैं और ये 2-3 इलायची क्रश करके ले ली हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें तिल डालेंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इन्हें 3-4 मिनट तक भूनेंगे। लगातार इस तरह चलाते रहेंगे ताकि तिल इवनली फ्राई हो। ध्यान रखेंगे कि हमें तिल को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अगर तिल थोड़े से भी ज्यादा भुन जाते हैं तो ये कड़वे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं तिल का कलर चेंज हो गया है, तिल अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम मिक्सर जार लेंगे और तिल इसमें निकालेंगे। तो यहाँ मैंने सारे तिल जार में निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने तिल को बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पीसना है। तो ये हमारा तिल बनकर रेडी है। तो अब हम मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें बूरा डालेंगे, पिसे हुए तिल डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे और ये पिस्ते डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तिलकुट बन गया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। बादाम डालेंगे, पिस्ते डालेंगे और ये इलायची पाउडर डाल देंगे। तो ये हमारा तिलकुट बनकर तैयार है। आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।